नमस्कार। इस रेसिपी वीडियो में हम आपको बेहद खास रेसिपी बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है भरवा टिंडे। तो चलिए आइए देखते हैं ना कैसे बनाते हैं। यहाँ हमने 250 ग्राम टिंडे लेकर उसे अच्छी तरह से धो दिया है। अब हम इन टिंडों को छील लेंगे और एक तरफ रख देंगे। यहाँ हमने सभी टिंडों को छीलकर तैयार करके रख लिया है। अब हम एक बाउल में एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारी भरावन होंगी जिसे हम टिंडों में भरेंगे। अब हम एक टिंडा लेंगे, उसमें चीरा लगाएंगे एक तरफ और इस तरह से दूसरी तरफ। अब चम्मच की सहायता से हम इसमें जो हमने चीरा लगाया था उसमें इस भरावन को भरेंगे और इसी तरह से बाकी के सारे टिंडों को इसी तरह से भरावन भरकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सभी टिंडों में भरावन भर दी है। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। अब फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें तेल की मात्रा को ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हमने इसमें टिंडे भी डाल दिए हैं और इसे अब थोड़ा सा चला लेंगे। ढक देंगे और बेहद धीमी आंच पर इन टिंडों को पकाना है। भरवा टिंडे बनाते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप छोटे आकार के टिंडे के ही भरवा टिंडे बनाएं और इसे लगातार बीच बीच में चलाते रहें। अब हम इसमें थोड़ा सा एक चम्मच पानी का छींटा मार देंगे ताकि टिंडे अच्छी तरह से पक जाएं। टिंडों के पकने के दौरान हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि टिंडे नीचे ना लगें। हमारे भरवा टिंडे बनकर तैयार हैं। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट या कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए, हमारे स्वादिष्ट भरवा टिंडे बनकर तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो ये लीजिए, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने में। आप इसे गर्मा गर्म परोसें चपाती के साथ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और वीडियो रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।